नहीं, क्रिक कॉमेडी तो तुम लोग देखते ही होगे सीबीए का, और क्रिक कॉमेडी हो सकती है तो ई-स्पोर्ट्स कॉमेडी क्यों नहीं। और इस एपिसोड में तो आप लोगों को मिलेगा साउथ एशिया चैंपियनशिप का तड़का। भाई आई-8 तो जिसके लिए पहले से क्वालिफाई कर चुकी थी, और 7E की क्वालिफिकेशन ने पूरे पाकिस्तान का दिल खुश कर। भाई Day 2 में नेपालियों को वो भगा भगा के मारा, नेपालियों और मंगोलियंस के, मंगोलियों की खुल गई आंखें और नेपालियों की खुल गई। भाई शुरू करते हैं लीग स्टेज। लीग स्टेज में थी 20 टीमें, उनमें से 16 टीमों ने खेलना था फाइनल, और 8 टीमें जो थी ना उसमें से वो पाकिस्तान की थी। और हमेशा की तरह हमारी चीखों पुकार, सर्वर के मसले, लैग हो रहे, डीसिंग हो रहे, ये हमेशा से मसले रहे। और टेंसेंट ने हमेशा की तरह वही बात बोली कि भाई अपने मसले तो तुम लोग खुद हल करो, हम लोग कुछ नहीं करें। और हर मैच के बाद हम टेंसेंट की माँ को सलामी पेश करने पहुंच जाते थे, और असुन वलीद के इनबॉक्स जो थे ना वो हम लोग बोलते थे, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं। इस दफा तो कुछ डिफरेंट ही हो। टेंसेंट ने पाकिस्तानियों की चीखों पुकार सुन के बोला कि भैया ना ट्रेवल कर लो किसी भी कंट्री, और हम आपको सारे पैसे पे करेंगे। लेकिन इस चीज का फायदा एक ही टीम ने उठाया, और वो थे 52 स्पोर्ट्स। भाई उन्होंने अपने बैग उठाए और वो चले गए पिकनिक मनाने के लिए मलेशिया। या लेकिन इस चीज का एक फायदा हुआ यार, मैं कह रहा हूँ ना, इस चीज का एक फायदा हुआ, T2K को उन्होंने ही तो पकड़ा, वरना वो तो जा रहे थे भाई GC क्वालिफाई करने के लिए। और 52 स्पोर्ट ने ऐसे पकड़ा जैसे वो जो सीजनल कसाई नहीं होता, ठीक है, वो बैल को पकड़ता और बैल फिर भी आधी गर्दन कटे हुए भाग रहा हो, तो वो वाला सीन था बिल्कुल। खैर 8 में से 5 पाकिस्तानी टीम फाइनल्स के लिए क्वालिफाई हो गई। भाई अच्छा तो एसएन भाई के साथ चुगिया लेती हुई नजर आई, टफ के तो अपने ही टशन थे भाई। और 3X जो थी वो स्विफ्टी स्पोर्ट्स के पैसों पे रेंगल पे डिस्को दीवाने पे नाचते हुए मुझे नजर आए। मैं बगैर तू लेकिन मजाक अपनी जगह, लेकिन जो 3 टीमें पाकिस्तान की क्वालिफाई नहीं हो सकी ना, तो उनके डीसिंग के, सर्वर के और लैग के इश्यूज तो बिल्कुल खत्म हो गए क्योंकि वो क्वालिफाई नहीं। और जो चौथी टीम थी जो नहीं क्वालिफाई हो सकी वो थी बांग्लादेश की टीम, किंग ऑफ स्पेड्स। भैया किंग ऑफ स्पेड्स नाम तो ऐसे रख लिया है जैसे भाई अभी कसीनो से उठ गए, लेकिन भाई वो भी फेल हो गए, ठीक है। और उन्होंने जो बंगाली बाबा बिठाए हुए थे सारे फेल हो गए, ठीक है। और उनके तांत्रिकों के भी सारा कुछ फेल हो गए, ठीक है। और उनके जो तांत्रिक थे वो भाई इनको क्वालिफाई नहीं करा सके, और वो उठ के चले गए अपने लिए कोई नई जॉब। और जो 5 टीम ने क्वालिफाई किया फाइनल में, उनके मसले हमें फाइनल्स में होते हैं। भैया नादिर जी ने लेट के गोलियां मारी, आदरी जी ने खड़े होकर गोलियां मारी, आदरी जी ने दरख्त पे चढ़ के गोलियां मारी, आदरी जी ने पहाड़ पे चढ़ के गोलियां मारी, लेकिन भाई वो सारी गोलियां जो थी ना वो एनिमीज के सर के ऊपर से गुजरती गुजरती, और ऐसे सर के ऊपर से गुजरती जैसे मेरे सर के ऊपर से पढ़ाई। और पढ़ाई की बात करें तो मेरे दिमाग में एक ही नाम आता है, मैग्नस ई-स्पोर्ट्स। भैया मैग्नस ई-स्पोर्ट क्या स्टडी करके आई थी टीम के लिए, लेकिन एक चीज जो थी ना वो बहुत अलग हो गई, एक चीज बहुत आउट ऑफ सिलेबस आ गई, वो थी थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी। भाई जब एक टीम को मौत के घाट उतारते थे तो दूसरी टीम ऐसे आ जाती थी थर्ड पार्टी करने जैसे दत्त दरबारी। सबके बावजूद जिब्रान और फिनिशन ने नेपालियों की न्यूक्लियर में वो गोलियां उतारी कि सुबह बाथरूम में भी 5.56 की गोलियां बाहर आती थी। 52 स्पोर्ट्स की फाइट देखने का बहुत मजा आया, जलाद और बलूद बहुत ज्यादा मेहनती प्लेयर है, तो दिखाई मजीद देने वाले हैं कि बिकॉज़ 52 स्पोर्ट्स की ये जो यहां पर सूरत है उससे पहले हमने नहीं देखी थी। लेकिन 52 स्पोर्ट्स के चोटू इस मैच में फिलहाल डोमिनेशन पर जाते हुए 5 किल्स ऑलरेडी प्लेयर निकाल चुके हैं। टीम के आपको टोटल 6 किल्स दिखाए देंगे। एंड प्रबन फ्रॉम रॉ इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। 70 जिसको मुझे पहले से पता था कि वो क्वालीफाई कर ले जाएंगे जीसी के लिए। टीम मस्ट 7th एलिमेंट के T24OP ग्रेनेड के साथ वेलकम करते हैं। एक और प्लेयर के ऊपर ग्रेनेड जाएगा, एक और प्लेयर गिरेगा। भाई उन लोगों ने क्या ही मैचेस निकाले। और यार एक चीज तो समझ आ गई कि जितने भी प्रॉब्लम हो अगर आप डेडिकेटेड हो अपनी गेम की तरफ तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। मिलकर ऐसे मैचेस निकाले कि DRS और SG का टीम अप भी कुछ ना कर सकते। और टीम अप की बात मैं वैसे ही नहीं कर रहा, 2021 तो आप लोगों को सबको याद ही होगा। भाई ज्ञानते और माफिया निंजा तो ऐसे है जैसे नेपाल के वो कहते हैं करण अर्जुन, ये बात तो आप सबको मालूम ही। इन सब चीजों में IAT को कैसे भूल सकते हैं। खत्म करना चाहते हैं, लेकिन ये ग्रेनेड कहानी खत्म करेगा, चिकन डिनर भी लिख सकता है। वापस से दोनों अतराफ ग्रेनेड फेंका गया, हील कर लिया जा चुका पुल ऑफ, लेकिन फायदा कुछ नहीं। लेकिन दिल हमारा भाई पूरे पाकिस्तान का गार्डन गार्डन हो रहा था, लेकिन भाई चंगेज खान की औलाद जिन्होंने तीरों और तलवारों की मदद से पूरी दुनिया पे कब्जा कर लिया, अगर उनको बंदूकें हाथ में देंगे तो क्या होगा। बस वही बात थी भाई, उन लोगों ने बंदूकें उठाई और नोवर पर गया, और जॉर्जो पुल के कंटेनर्स के पास उन्होंने किसी को आने नहीं दिया,
और जो आता था उनका जो हाल होता था वो सब आप लोगों ने देख लिया। इसके बाद तो ट्रायंगल और उसके शटर बॉय जो थे ना वो हमें थर्ड पोजीशन पर नजर आए और गोकू और टोकू की टीम जो थी ना वो सिक्स पोजीशन पर नजर आई। STE और IL तो आप लोगों को पता है कि वो ऑलरेडी क्वालिफाइड थी GC के लिए, तो इसलिए टॉप सिक्स टीम जो थी ना वो GC के लिए क्वालिफाइड थी। भैया इस दौरान हमें और भी बहुत सी चीजें होती हैं जिसमें स्विफ्टी स्पोर्ट्स की वॉच पार्टी पे हमें सेकंड रोल और खिजर की नजाकत भी नजर। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। भाई स्विफ्टी स्पोर्ट्स ने पैसा ऐसे बहाया जैसे कि मैं बच्चे बहा था। मूजा भाई ज्यादा वल्गर हो गए। अच्छा यार सॉरी फिर से करते हैं। स्विफ्टी स्पोर्ट्स ने ऐसे पैसा बहाया जैसे नेहा कक्कड़ जो है ना वो आंसू बहाती है लाइव शो। ये वाला अच्छा था भाई जो थे ना वो एनालिसिस वीडियो पे अपनी जो थी ना अपनी सेहत और खराब करते हुए नजर आए और जैगुआर और लफी ने भी वॉच पार्टी करते हुए नजर आए जिसमें जैगुआर भाई अपने कास्टिंग के जोहर दिखाते हुए नजर आए। भाई जान होशियार हो जाओ सारे जिन्होंने जैगुआर को हैकर बोला था, ये उन सब कास्टर्स की नौकरी खाने के लिए आ रहा है। स्टार के कुछ दिनों में मैं हाले पे भी नजर आए। स्टार के हाले हमारे स्ट्रीम पे वॉच पार्टी पे, लेकिन उसके बाद बॉयफ्रेंड रेडियो की शादी के चावल खाने चले गए। समझ रहे हो आप यार अभी तक हम उन्हें ढूंढ रहे लेकिन मिले नहीं। आप लोगों में से किसी को नजर आए तो यार लाजमी बता दो। और वीडियो के आखिर में IEAT को 7E को मुबारकबाद की वो जीत के लिए क्वालिफाई कर दिए। लेकिन बहुत सी टीमें जो थी वो क्वालिफाई नहीं कर सकी जिनमें आज की जी मैग्नस प्रोमिनेंट नेम है, लेकिन यार जो क्वालिफाई नहीं कर सके उनको हेट देना नहीं जरूरी। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, उनको भी अप्रिशिएट करो क्योंकि कोई चैंपियन उसी वक्त बनता है जब कोई हारता है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस बार नहीं क्वालिफाई कर सकी, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम क्वालिफाई कर जाएगी। तो पूरी कम्युनिटी को सपोर्ट करें, बाकी टीम्स को भी सपोर्ट करें। ये हमारी क्रिक कॉमेडी या क्रिक कॉमेडी का ट्राई करने के लिए हमने एक कॉमेडी शो किया था, ये हमारी फर्स्ट आई थी। होप सो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। दिस इज माफिया फ्रॉम बोर्ड गेमिंग एंड वी आर स्पिनिंग।